बिशप धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर एक बार फिर मलबा गिरने के कारण रेलवे ट्रैक बाधित हो गया है। धर्मपुर सनवारा के बीच में रेलवे ट्रैक पर भारी मात्रा में मलबा गिर जाने के कारण इस रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। मलबा गिरने की सूचना मिलने के बाद रेलवे विभाग के कर्मचारी ट्रक से मलबा हटाने के लिए मौके की ओर रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस वारदात में लगातार कालका शिमला रेल मार्ग मलबा गिरने के कारण बाधित हो रहा है, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले ही परमाणु के नजदीक भारी मात्रा में मलबा आने के कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया था। सोलन के परमाणु से लेकर सोलन तक फोरलैन निर्माण के चलते जाबली स्थिति सरकारी स्कूल को खतरा पैदा हो गया है। क्षेत्र में हुई भारी बारिश के बाद स्कूल के नीचे लगा डंगा व 3 पेड़ गिर गए, जिसके बाद अब स्कूल भवन को पहले से भी ज्यादा खतरा पैदा हो गया है। और यदि लगातार बारिश इसी तरह से रहती है तो आने वाले समय में स्कूल भवन भी गिर सकता है। आपको बता दें कि परमाणु शिमला फोरलेन निर्माण कार्य चला हुआ है, जिसके कारण परमाणु से लेकर सोलन तक कई भवनों में दरारें आ चुकी हैं व कई भवन जमींदोज हो चुके हैं। वहीं शुक्रवार को भारी बारिश के दौरान जाबली स्कूल के नीचे लगे फोरलेन कंपनी द्वारा लगाया गया डंगा और उसके ऊपर की मिट्टी खिसक गई और देखते ही देखते पूरा डंगा व यहाँ लगे पेड़ भी गिर गए, जिसका लाइव वीडियो भी है जिसमें देखा जा सकता है। अजय गोलीकांड के बाद फरार हो गया था। उसके बाद अजय को हिसार पुलिस ने एक मामले में गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी जानकारी जैसे ही सोलन पुलिस को मिली तो सोलन पुलिस प्रोटेक्शन वारंट के तहत सोलन ले आई। पुलिस दोनों ही आरोपियों से अलग अलग पूछताछ करने पर ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस गोलीकांड के पीछे उनकी मंशा क्या थी और किसके इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया। कांग्रेस पार्टी हिमाचल में बाहरी राज्यों के लोगों की हो रही भर्तियों के खिलाफ है। ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा जब जब सत्ता में आती है हिमाचल के लोगों के हितों को बेचने के प्रयास किए जाते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हिमाचल में भाजपा सरकार द्वारा बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया। प्रेम कौशल ने कहा कि जब प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त भी भाजपा सरकार ने स्कूल कैडर के लेक्चरर के पदों को गजटेड घोषित कर बाहरी लोगों को प्रदेश में नौकरियां प्रदान करने का प्रयास किया था। कौशल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इन्वेस्टर मीट के दौरे पर भी तंज कसते हुए निवेश के नाम पर हिमाचली हितों को बेचने का आरोप लगाया है। प्रेम कौशल ने आरोप लगाया कि धूमल सरकार द्वारा हिमाचल के बाहर के अपने लोगों को नौकरियां देकर बाद में नियम को बदला गया। कौशल ने कहा कि धूमल के बाद अब जयराम सरकार भी बाहरी लोगों को प्रदेश में नौकरियां दे रही है। प्रेम कौशल के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जयराम सरकार भी हिमाचली हितों का सौदा कर प्रदेश के लोगों से धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार की ऐसी नीतियों का हमेशा विरोध करती रहेगी जिन नीतियों से प्रदेश के युवाओं के हितों का नुकसान हो। प्रेम कौशल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इन्वेस्टर मीट के नाम पर विदेशी दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल के हितों को बेचने का प्रयास करने में बीजेपी सरकार लगी हुई है, जिस कारण कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की चिंता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि निवेश के प्रति बीजेपी का गुप्त एजेंडा बना हुआ है, जो कि निवेश के नाम के ऊपर बाहरी लोगों को हिमाचल की जमीनें बेची जाएंगी और हिमाचल के लोगों से खिलवाड़ किया जाएगा। सीटू के देशव्यापी आह्वान के तहत हमीरपुर में भी जिला सीटू व उससे संबंधित मनरेगा निर्माण मजदूरों व अन्य संघों ने बारिश के बावजूद हाथों में छाता लेकर गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और
नारेबाजी भी की। हमीरपुर शहर में सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने बाजार में रैली निकाली और मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोला। सीटू कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पूरे बाजार में तेज बारिश के बीच रैली निकाली। सीटू के सचिव अनिल मनकोटिया ने कहा कि मनरेगा में बजट की कटौती और श्रम कानून नियमों की अनदेखी करने के विरोध में सीटू कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में बजट को कम किया गया है, जिसे बढ़ाया जाए। वहीं कल्याण बोर्ड के अंदर मजदूरों के हित के लिए पैसा मिलता था, जिसे बंद किया गया है, जिससे मजदूरों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। जनमंच कार्यक्रम के लिए चयनित की गई पंचायतों में विभिन्न विभागों ने प्री जनमंच गतिविधियों को तेज कर दिया है। उद्योग विभाग की ओर से आज लहोदर पंचायत में जन जागरूकता कैंप का आयोजन कर लोगों को मुख्यमंत्री संभावलवन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्टार्टअप तथा अन्य योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई तथा लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया गया। इसी प्रकार सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से कटियाना तथा लहोदर पंचायतों के लिए निर्मित की गई उठाऊ पेयजल योजना बल ऋतु का निरीक्षण किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से भी इस पंचायत में जागरूकता कैंप का आयोजन कर जहां लोगों को विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई, वहीं पेंशन से संबंधित विभिन्न मामलों का सत्यापन किया गया तथा नए पेंशन फॉर्म भी मौके पर भरे गए। पशुपालन विभाग की ओर से भी लोहदर पंचायत में जागरूकता कैंप के माध्यम से लोगों को पशुधन की सुरक्षा व बीमारियों से बचाव को लेकर बहुमूल्य जानकारी प्रदान की गई। लेकिन यह है कि जिला हमीरपुर में 16वां जनमंच कार्यक्रम बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत दंगोटा की शहीद दीप चंद्र राणा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दंगोटा के प्रांगण में 11 अगस्त को सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे तथा जिला प्रशासन के माध्यम से जन समस्याओं को सुनने के साथ उनका मौके पर निपटारा भी करेंगे। बड़सर विधानसभा क्षेत्र में ये तीसरा जनमंच कार्यक्रम होगा। 3 अगस्त को ग्राम पंचायत कठियाणा में विभिन्न विभागों के माध्यम से प्री जनमंच गतिविधियों के दौरान विभिन्न प्रकार के निर्माणाधीन विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण करने के साथ लोगों को विभागीय योजनाओं से अवगत करवाया जाएगा।